ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फॉर द लेक्चर। तो क्या है टॉपिक? नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ओके, तो कार्बन कंपाउंड जो है उसका नाम कैसे देना है? तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेथड ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड कोई भी है तो उसका नाम आप कैसे दे सकते हो उसको, कोई भी कंपाउंड। तो द मेथड ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग रूल्स। तो उसके लिए रूल्स है, जो रूल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं आज। द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम इन द गिवन कंपाउंड इज आइडेंटिफाइड फर्स्ट, देन अल्केन रूट नेम इज सिलेक्टेड। ओके, तो पहले क्या है, द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन ऑफ द कार्बन एटम इन द गिवन कंपाउंड इज आइडेंटिफाई फर्स्ट। तो पहले जो लॉन्गेस्ट चेन है ना, उसमें से आपको अल्केन का रूट पहले सिलेक्ट करना है, कि अगर एक कार्बन है तो मिथेन, दो है तो इथेन, तीन है तो प्रोपेन, फोर है तो ब्यूटेन, फाइव है तो पेंटेन, सिक्स है तो हेक्सेन, सेवन है तो हेप्टेन, एट है तो ऑक्टेन, नाइन है तो नोनेन एंड टेन है तो डिकेन। ओके, तो फिर से मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोमेन एंड डिकेन। ओके, फिर सेकंड क्या करना है, इन केस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इट इज इंडिकेट इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद द आइदर प्रीफिक्स और सफिक्स। तो उसके बाद में उसको प्रीफिक्स और सफिक्स नाम दिया जाता है। लाइक पहले कार्बन कंपाउंड फाइंड करो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रीफिक्स या सफिक्स रखो। थर्ड में क्या है, इफ़ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सफिक्स एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगन विद द वोवेल ए आई ओ यू, देन नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाई एंड डिलीटिंग द फाइनल ई एंड एडिंग अप्रोक्सीप्रिएट अप्रोप्रिएट सफिक्स। ओके, तो अगर वोवेल से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है ए आई ओ यू से, तो वहाँ पे फाइनल ई को डिलीट कर दिया जाता है। लाइक एग्जाम्पल क्या है, थ्री कार्बन चेन वाला है, उसका नाम है कीटोन। क्या है? कीटोन। ग्रुप वुड बी नेम्ड ऑफ द फॉलोइंग मैनर, प्रोपेन है तो प्रोपेन में जो पीछे ई चला जाएगा ना, वो ई को आप काट के पीछे ओ एन ई लगा दोगे। क्या ई है तो ई को काट के ओ एन ई लगा दोगे, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉन। क्या हो गया? प्रोपेनॉन। आप ऐसे याद रखो ना, पीछे नॉन लगा देना है, क्या लगा देना है, ऑन, पीछे क्या लगा देना है, ऑन, प्रोपेन तो ऑन, प्रोपेनॉन ऐसे करके। ओके, फोर्थ पॉइंट, इफ द कार्बन चेन इज अनसेचुरेटेड देन द फाइनल ए एन ई इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूट बाय ई एन ई और वाई एन ई एज गिवन इन द अबव टेबल। लाइक एग्जाम्पल, थ्री कार्बन वाली एक चेन है विथ द डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड प्रोपेन। ओके, तो क्या बोलते हैं, प्रोपेन। इफ इट इज ट्रिपल बॉन्ड देन प्रोपाइन। ओके, तो अभी अल्केन में प्रोपेन है तो प्रोपेन में पीछे ई एन ई लगा दो तो प्रोपीन, और वाई एन ई लगा दो तो प्रोपाइन। ओके, तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन हो गया। फिफ्थ, पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड इन द कार्बन चेन शुड बी गिवन बाय द लोएस्ट पॉसिबल नंबर आइदर फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट हैंड। तो पोजिशन जो है फंक्शनल ग्रुप की कार्बन चेन में should be given by the lowest possible number, should be lowest possible number। देखो यहाँ पे numbering किया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो अगर x का आप सेकंड पे है ना, तो आप लेफ्ट से काउंट मत करो, आप राइट से काउंट करो। तो ये राइट से देखो लिया गया है 1 2, तो राइट से नंबरिंग करो। अगर आपने लेफ्ट से किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स जो आप ये चेन जैसा जो दिख रहा है ना, उसको आप स्मॉलेस्ट पार्ट में ले लो। क्या ले लो? जो आपको ये चेन जैसा दिख रहा है ना, उसको आप स्मॉलेस्ट पार्ट में ले लो। ओके, अब देखो हेलोजन है तो हेलो अल्केन, तो आगे क्लोरो ब्रोमो लगेगा। तो यहाँ पे देखो प्रोपेन था तो प्रोपेन में पीछे क्लोरीन एंड ब्रोमीन लगा है, तो क्लोरो प्रोपेन एंड ब्रोमो प्रोपेन हो गया। अल्कोहल में पीछे ओ एल लगेगा और उसके नाम में भी ऑल लगेगा, तो प्रोपेन का प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड में आल लगेगा, तो प्रोपेन था तो आल पीछे, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। फिर कीटोन, कीटोन में पीछे ओ एन ई, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। ओके, प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड मींस ऑइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मींस ऑइक एसिड, तो प्रोपेनॉइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉइक एसिड। अल्किन, तो अल्किन में पीछे क्या लगता है? ई एन ई, तो वो नाम था प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। फिर अल्काइन, तो अल्काइन में ये वाई एन ई लगता है, तो वाई एन ई की जगह पे, सॉरी
प्रोपेन, तो प्रोपेन में जो EAN ही था ना यहाँ पे क्या गया, प्रोपेन, प्रोपेन में जो AN ही था यहाँ पे दिया नहीं है एल्केन का, तो AN की जगह पे YN ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा YN। ओके, तो मैं से एल्केन एल्कीन अल्काइन, तो प्रोपेन प्रोपिन प्रोपाइन ऐसे करके, फिर कार्बोक्सिलिक तो NO कैसे लगेगा, फिर कीटोन है तो एनोन लगेगा, फिर एल्डिहाइड है तो एनॉल लगेगा, पीछे अल्कोहल है तो एनॉल लगेगा, ऐसे करके आप किसी का भी नाम फंक्शनल ग्रुप का बना सकते हो। तो ये नोमेक्लेक्चर हो गया किसका, कार्बन कंपाउंड का। तो कार्बन कंपाउंड का ऐसे आप नाम नंबरिंग सब कुछ कर सकते हो। ओके।